अस्सलामु अलैकुम अहलन व सहलन पखैर अलजब बुखैर अर्जियान मरहबा वशद कैन वेलकम टू द न्यू वीडियो। आप देख रहे हो वॉइस ऑफ बलोचिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित द कैमरा मिस्टर दिलावर खान। जैसे आपको पता है हमारी एक सीरीज़ है वशताम, जिसमें हम बलोचिस्तान के मुख्तलिफ कानों को एक्सप्लोर करते हैं। तो आज हम आए हुए सिब्बी, सिब्बी के लियाकत बाज़ार में वाक़ एक मशहूर अचार की दुकान है, जिसका अचार बहुत मशहूर है थ्रू आउट वर्ल्ड, इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। मिस्टर अमीन और मिस्टर रफ़ीक ब्रदर्स अचार, तो आइए आपको दिखाते हैं, लेट्स गो। तो अभी हमारे साथ है अब्दुल रज़ाक, जो अचार की मुख्तलिफ किस्मों के बारे में बताएंगे और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करने वाले, तो वीडियो लास्ट तक देखना है। सर ये सबसे पहले बताएं, ये मतलब ये जैतून है। अच्छा, जैतून का अचार है। जी जी, जैतून का अचार है और ये शुगर के लिए इस्तेमाल होता। अच्छा, शुगर के लिए इस्तेमाल होता है, ये बड़ा यूनिक सा लग रहा है। ये किस चीज़ का अचार है? अच्छा, गुलकंद। मतलब गुलाब से और कब्ज़ के लिए ज़्यादातर मुफीद है। ज़्यादातर मुफीद है। ये प्याज का अचार है। अच्छा, प्याज का अचार है। और ये हमारे पास मिक्स अचार है, जो मैं थोड़ा बहुत ट्राई करूँगा, थोड़ा ट्राई। ये मिक्स सिरके वाला अचार है, जिसमें आम, गाजर, मिर्च, नींबू वगैरह मिक्स होते हैं। सर ये जो सिब्बी का इतना मशहूर अचार है, जी जी, इसके साथ आपका कैसा रिश्ता बना, कब से है ये? ये वालिद साहब ने जो है 1960 में जो है ना, 1960 थोड़ा सा बनाने शुरू किया आस्ते आस्ते। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली जो है, और आज इतना बड़ा सेटअप है। जी हाँ। किस्मों की बात की जाए तो आपके पास कितने अकसाम के अचार मौजूद हैं? तकरीबन जो है 50-60 के करीब जो है, 50-60 के करीब अचार मौजूद है। सिब्बी का जो मशहूर अचार है वो किन किन इलाकों में जाता है? ये कोयटा, मस्तूंग, कलात, इस्लामाबाद। अच्छा, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद तक ही अचार जाता है। लाहौर, लाहौर। अच्छा अच्छा सर, अगर बाहर भी, इसके अलावा जो है ईरान भी जाता है। अच्छा, मतलब इंटरनेशनली भी ये, मतलब ये एक्सपोर्ट होता है ईरान साइड एंड सोन थिंग्स। इस अचार की ख़ास बात बताएं, इसमें क्या ऐसी ख़ास है कि ये इस्लामाबाद के लोग भी खा रहे हैं, लाहौर के लोग भी खा रहे हैं? बस हमारा जो है अपना एक अलहदा है कुलिया। अच्छा, फार्मूला है जो है ना, वो हम मतलब एक फार्मूला है जिसके तहत ये तैयार होता है और वो तैयार करते हैं जो है ना। अच्छा सर, थैंक यू सर फॉर योर टाइम।